हेलो गाइस, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको ये जो दिखने वाला है अंगूर का जैसा और इसका मुंह इस तरह नीचे साइड खुलता है, इस तरह आपको मुंह खुलता है, पर ये जब मुंह बंद रहता है तो देखने में ऐसा लगता है कि अंगूर जैसा फरा हुआ कोई फल है, और जब इसका मुंह खुल जाता है तो फूल इस तरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये पौधा घर पे लगाने में बहुत ही आसान है। इस पर फ्लावरिंग कब आता है वो चीज़ आपको बताएंगे, और इस पौधा को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा कहाँ उगता है ये पौधा देख के आप यदि देखेंगे ये पौधा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये पौधा बहुत ही आसानी से अपने पत्ते में, इस जहाँ पत्ता है इस जगह पत्ते में आपको जड़ के साथ पौधा दिखेगा, यानी जड़ के साथ पौधा उगता है। इसे लगाना घर पर बहुत ही आसान है। इसका मिट्टी कैसा होता है, इस मिट्टी में कितना पानी पड़ता है, ये इंडोर है या आउटडोर है, ये आपको जानकारी देंगे। और ये बहुत ही आसानी से घर में कोई भी मिट्टी में हो जाता है। इसमें ना ही कुछ इतना खाद वगैरह डालना पड़ता है, ना कोई फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, पर यही है कि अभी हम इसे धूप में रखे हुए हैं तभी हम इसमें कोई फ़र्क नहीं देख रहे हैं, पर नर्सरी वाले लोग को कहना है ये इंडोर प्लांट है। और आपको ये चीज़ जानकारी हैरानी हमको खुद हुआ है, यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो गमला था टूट गया था तो इसे हम नीचे नहीं रखे, हम इसको ऊपर भिजवा दिए, और इसमें उस समय फूल नहीं आ रहा था, इसमें आपका नया नया पौधा उग रहा था, तो इस पत्ते के वजह से थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ हाथी का कान जैसा दिखता है इसका पत्ता, तो इसका पत्ता में हमको बहुत ही खूबसूरती लगा। पर हम इसका फूल कभी देखे नहीं थे, इसका फूल देखे थे नर्सरी में, तभी हम इसका पौधा नर्सरी से लेके आए थे, तो हम सोचे कि अपने घर में भी लगाएंगे तो इसका पौधा लेके आए, तो कम से कम 6 महीना हो गया देखे, खाली ये अपना पौधा ही छोड़ रहा है, हर पत्ते में गांछ वगैरह उग रहा था, फूल इस तरह का आ ही नहीं रहा था। नर्सरी वाले लोग से बात किए तो बोला कि ठंड के समय में आपको फूल देखने के लिए मिल जाएगा, और इसे आप रखिएगा जहां आपका हल्का हल्का धूप आता है वहां रखिएगा, और हम यहां रखे हुए हैं पूरा डायरेक्ट सनलाइट में, आप देख सकते हैं पूरा सनलाइट आ रहा है यहां पर, और ये हम छत में रखे हुए हैं। इसमें हम एक ये चीज़ देखें कि धूप में रखने से इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। यदि आप इस तरह का पौधा अपने घर पर लगाए हैं और इस तरह फूल नहीं आ रहा है तो आप परेशान ना हो, इसमें फूल अधिक आएगा। और ये फूल रहता है कितना दिन, तो कम से कम ये फूल आपके घर में 1 महीना रहेगा, इसी तरह धीरे धीरे मुंह खुलेगा, हर फूल का धीरे धीरे मुंह खुलेगा, और बहुत ही खूबसूरत फूल है। और इसको इसका मिट्टी में पानी कितना देना है वो बताते हैं आपको। पानी आप सुबह में एक बार दे दिए, ठंड के सीजन में यदि देते हैं तो 5-6 दिन नहीं भी देंगे तो इसका पत्ता में इतना पानी ये सोख लेता है कि पौधा जल्दी सूखता नहीं है। तो आप गर्मी में आप चाहें तो सब पौधा हम दे रहे हैं तो इस पर भी दे दें, और नए भी देंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इसके अलावा और पौधा गर्मी के सीजन में सूख जाता है। गर्मी के सीज़न में एक बार पौधा, हर एक पौधा में पानी छिड़काव पड़ना ही चाहिए, तो एक टाइम तो इस पर हम दे ही देते थे। पर इसका ये चीज़ देखें, ये गांछ जो हम लाएँ और लाने के बाद हम अधिक लोग को गांछ दिए, और जिसको जिसको दिए इस पत्ते से निकाल के पौधा, तो सभी के घर में देखें फ्लावरिंग आ रहा, बहुत सुंदर आ रहा, बहुत अच्छा फूल आ रहा है, क्योंकि इसमें जितना पौधा आ रहा था तो उतना पौधा को करते क्या, कोई भी आया तो यहाँ से इस जगह से पौधा आता है तो हम हर एक का दे दिए, आराम से उसके घर में भी पौधा उगा। और इस तरह का ये जो डंटी बीच से फेंकता है, जब आपका बीच से इस तरह का डंटी फेंकने लगे और ये कंछी वगैरह आप देखेंगे तो इस तरह कंछी में जितना इस तरह कंछी रहेगा उतना ही फूल होगा, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको यहाँ कंछी है, ज़्यादा दबाएंगे तो ये बहुत नाजुक रहता है, टूट जाता है। और इस पर एक चीज़ है कि जिसको पथरी का शिकायत है, एक पत्थर चट्टा आता है वो भी पत्ता आपको दिखाएंगे, और पत्थर चट्टा के जैसा ये भी काम करता है, ये भी उसी तरह स्वाद लगता है, आपको दिखाते एकदम बिल्कुल उसी तरह स्वाद लगता है। इस पर भी देख सकते हैं आराम से बहुत सारा पानी निकल रहा है।
इसमें पानी भरपूर मात्रा से भरा हुआ रहता है, तो ये भी पत्थर चट्टा के जैसा ही काम करता है। पत्थर चट्टा का पत्ता आपका गोल गोल रहता है, उस पर भी किसी किसी जगह में हम फूल देखे हैं, पर अभी तक हम पत्थर चट्टा में फूल नहीं देखे हैं। पर ये चीज़ में हमें जानकारी लेना था कि इसका फूल कैसा होता है, किस तरह का होता है। तो आप ये घर में यदि पौधा नहीं लाए हैं और लगाए हैं तो आप परेशान ना हो, ये फूल देगा ही, पर ये देता है ठंडा के समय में, आपको ये चीज़ बताएं। और इस पर खाद वगैरह आप कोई भी फूल में दे रहे हैं तो इस पर ना दें। आपको क्या देना है, यदि और अच्छा से इसका कंची लेना है या और अच्छा से इसे फूल लेना है तो आप इस पर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र आपका घर का हो, जैसे सरसों खली का फर्टिलाइज़र बना के हर पौधा में देते हैं, इसमें देंगे तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ये खिलने उलने लगेगा। तो इसमें हम उतना इसको केयर नहीं करते हैं कि बिना केयर का अच्छा पौधा है, कोई केयर से भी नहीं, एकदम आराम से ही फूल देता है। तो हम इस पर देते हैं आलू प्याज का फर्टिलाइज़र देते हैं, क्योंकि हर हफ्ते में आलू प्याज का जो मेरा घर में निकलता है हर पौधे में देते हैं, और सरसों खली का हम देते हैं 15 दिन महीना दिन के बाद देते हैं। और आलू प्याज का आपका जो वेस्ट हो रहा है तो हम वेस्ट क्यों करें, इसको हम पौधे में दे देते हैं। तो इस तरह मिट्टी रहे आपका, हम यहाँ आपको गमला दिखाते हैं, मिट्टी मेरा भी ठंड का सीज़न है, पूरा सूखा पड़ा है, सूखा पड़ा, और इसमें पानी आपको दिखाएं कितना भरपूर मात्रा से होता है। और ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि जिसका पथरी का शिकायत है और आप पथरी से परेशान हैं तो इसका पत्ता आप कैसे खाएं, या तो आप इसे पत्ते को आधा धो लें, आधा धो करके अच्छा साफ़ कर लें और इसको चिबा कर खाली पेट खा लें, तो धीरे धीरे देखेंगे आपको किसी भी जगह पथरी है तो आपका मूत्र के द्वारा पथरी आसानी से निकल जाता है। यदि ये चीज़ आप नहीं खा सकते तो पथरी पत्थर चट्टा का पत्ता आपको दिखाते, हमारे घर में पत्थर चट्टा का भी हम पौधा लगाए हुए हैं। पत्थर चट्टा का पौधा हम छत पे लगाए हुए हैं, पर इस पर धूप का असर हो रहा है। आपको भी दिख रहा होगा कि ये सब जो पत्ता है पीला हो रहा है, यानी पीला पर हो रहा है। और इसी जगह में बगल में हम रखे हुए हैं, यहाँ पर हल्का छाँवर है, यानी धूप डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका पत्ता डिजाइन से निकल रहा है और ये पत्ता हरा है, ये पत्थर चट्टा का पत्ता बोलता है, ये उससे कम रहता है मोटा, पर पानी के मामले में आपको दिखाएंगे कि ये भी उतना ही पानी देता है, पूरा हाथ मेरा भींज जाएगा। तो पत्थर चट्टा का देख सकते हैं पूरा मेरा हाथ भींज गया। तो पत्थर चट्टा का आप पत्ता इस तरह लें, छत पर आए और इसको अच्छा से साफ़ कर लें और इसको चिबा कर आप खा लें, तो आपको एक तो पेट ठंडा रहेगा सुबह सुबह, और पथरी कहीं भी है, कोई भी जगह में है, बहुत ही आसानी से आपको ये पत्ता निकाल देगा। यदि और ये बहुत ही आसानी से लगता है, इसका आप डंटी लगा लें, और नहीं तो इस तरह का आपको दिखाएंगे गमले में छोटा छोटा प्लांट निकलता है, इस तरह का प्लांट निकलता है, आप एक ये लगाएंगे तो पूरा गमला भर जाएगा इस तरह का, देख सकते हैं इसमें जड़ भी है। इस तरह का जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। धन्यवाद।